सरकार ने किसानों को सौगात दी। मोदी सरकार ने 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में वृद्धि का ऐलान कर उनको किसानों को खुश कर दिया। सबसे ज़्यादा मसूर के MSP में 300 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया, जबकि गेहूं के MSP में 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति जो कि CCEA ने सोमवार को फसल वर्ष 2020-21 के रबी सीजन के 6 प्रमुख फसलों की MSP में वृद्धि को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रबी फसलों के MSP में बढ़ोतरी के सरकार के फैसले का ऐलान किया। तोमर ने कहा कि किसानों को लागत मूल्य पर 106% तक लाभ मिलेगा, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो MSP पर खरीद आगे भी जारी रहेगी। जौ का समर्थन मूल्य जो कि 1600 प्रति क्विंटल था, उसमें वृद्धि करके 4.9% यानी 75 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जिससे कि मुनाफा 65% बढ़ जाएगा। चना समर्थन मूल्य जो कि 5100 रुपये प्रति क्विंटल था, उसमें वृद्धि कर दी गई 4.6% यानी 225 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। किसानों को इसका मुनाफा 78% के करीब मिलेगा। इसी तरह मैसूर समर्थन मूल्य 5100 रुपये प्रति क्विंटल था, उसमें वृद्धि 6.3% यानी 300 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। इस हिसाब से मुनाफा 78% किसानों को मिलेगा। सरसों में समर्थन मूल्य 4650 रुपये प्रति क्विंटल था, उसमें वृद्धि की गई है 5.1% यानी 225 रुपये प्रति क्विंटल। इसमें मुनाफा तकरीबन 93% का किसानों को मिलेगा। कुसुम्ब का समर्थन मूल्य 5327 रुपये प्रति क्विंटल, इसमें वृद्धि की गई है 2.1% यानी 112 रुपये प्रति क्विंटल। इसमें किसानों को 50% तक का मुनाफा हासिल होगा। गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल है।